तो हेलो फ्रेंड, तो सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। सबसे पहले आप सबके लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। तो भगवान श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो फ्रेंड्स, आज आपको दर्शन कराते हैं जो कि उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध तालों में से एक है, देवरिया ताल। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं, तो आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। बहुत ही भव्य ताल है वो। तो चलते चलते मैं रास्ते के लोकेशन भी आपको दिखाती रहूँगी। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है रास्ते में भी। तो कई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट आए थे कि आप देवरिया ताल पे वीडियो बनाओ। तो आज मैंने सोचा कि चलते हैं, क्योंकि आज साथ ही जन्माष्टमी भी है इसीलिए। तो जन्माष्टमी के दिन वहाँ मेला होता है। तो इस बार कई बोल रहे कि मेला लगेगा, कई बोल रहे कोरोना काल की वजह से, कई बोल रहे मेला होगा, कई बोल रहे नहीं होगा। लेकिन चलते हैं, देखते हैं कि मेला लगा है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे साथ, वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला। तो आज धूप बहुत तेज है इसीलिए, और चढ़ाई बहुत है रास्ते में इसीलिए, ये बांज का पेड़ और बांज के पेड़ की यहाँ पर बहुत ही अच्छी घनी छाया है। तो थोड़ा हमने सोचा पानी पी लेते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज है तो गर्मी भी लग रही, इसीलिए हम थोड़ा यहाँ छाया पर रेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये रहा बेस्टी गांव, और ये बेस्टी की स्कूल है, ये छोटे बच्चों की प्राथमिक विद्यालय बेस्टी, ये देखिए। तो मैंने बेस्टी गांव अपने पहले ब्लॉग में भी दिखा रखा, जरूर देखना वो वीडियो, पहाड़ियों की जान जंगल। तो उसमें मैंने बेस्टी गांव का विवरण दे रखा, बेस्टी गांव दिखा रखा। तो इन लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है मार्केट जाने के लिए, क्योंकि बहुत ही पैदल चढ़ना पड़ता है और चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पर ठंडी हवा चल रही, इसीलिए हमने सोचा थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए बस्ती गांव बहुत ही प्यारा। तो बोलो चलो, तो यहाँ पर ये बहुत ही पुराना बांज का पेड़ है, तो यहाँ पर के लिए तमख्या बांज बोलते हैं। तो बहुत ही पुराना पेड़ है ये बांज का, और ये तमख्या बांज देवरा ताल जाने के रास्ते के बीच में पड़ता है। सी गिरा बाम लन गोवर्धन नन जी को दिया, तभी दिखा। हां हां, मती बात जूम करी था, तो तहिमो भी दिखा। जूम को ना मत, बंदे। तो फ्रेंड्स यहाँ जंगल के बीचों बीच भूमिया चल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जंगल के बीचों बीच भूमिया देवता का मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर पूजा होती है, जिसको हम गढ़वाली में पूजे बोलते हैं। तो यहाँ पर पूजे होती है हमारे आस पड़ोस और हमारे गांव वासियों की यहाँ पर। तो देखिए इधर उधर कितना घना जंगल है बिल्कुल। हम्म,
बढ़िया के दिखा है या देखा ही ए आज तक भी सुर ले यमुना के खणि जे बोलन हमबे कर खा खाना मैं कब अरे लो जी की अभी नहीं मेरे को नहीं मेरे को सामान मैं तो फिर मत कर करना हां हाय कर लो से गोबर दान ना लगी को सुबह रे जाना नहीं हम और ये देखिए हमारे देवर जी जंगल में मशरूम ढूंढ रहे हो नहीं हाँ ना तब जम भी देखो क्लोजली तो दोस्तों ये है वो वाला मशरूम जो एकदम जिसको गरवाड़ी भाषा में बोलते हैं कुकुड़ कुकुड़ की तरह के पंख फैले हुए होते हैं तो इसलिए इसे कुकुड़ कुकुरमुता बोलते हैं इसे। ये देखिए ये तो थोड़ा ख़राब हो चुका है पर ये थोड़ा सही है फ्रेश ये फ्रेश है ये फ्रेश है। अरे ये वाला ये तो थोड़ा पुराना हो गया ना कब का हो गया पता नहीं मतलब कितना टाइम हो गया इसको इसको हो गया 3-4 दिन हो गए वही ख़राब हो गया और ये और तो अभी का लग अभी का लग रहा है कल रात उगा हुआ ये और बड़े भी होते हैं इतने बड़े बड़े अगर ये मिल जाएँ तो सबसे अच्छी बात वो है। इसका यूज़ क्या है? ये है इसके अगर आप इसको धूप में सुखा कर अच्छे से सुखा कर पानी इनका पानी निकाल के उसके साथ अगर रात रात में इसकी सब्ज़ी बनाएं तो इतनी टेस्टी होती है कि क्या बताएं आपको। ये देखिए ये तो थोड़ा ख़राब हो चुका है ये तो बहुत ख़राब हुआ है ये वाला सही है ये वाइट वाला। अगर आप कभी जंगल में मिलें अगर आपको ये दिखे तो कम से कम इसको जरूर लें। ये मशरूम देखिए बिल्कुल आँख के आकार का है ऐसा लग रहा है जैसे आँख होगी नीचे पर पड़ी। ये देखिए तो अभी भी हम चढ़ रहे हैं क्योंकि हमें और भी ऊपर जाना है तो चढ़ाई बहुत है चढ़ाई जिसको हम गढ़वाली में उकाल बोलते हैं तो उकाल बहुत है। अभी बिल्कुल घने जंगल के बीचों बीच होकर गुजरता है देवरा ताल जाने का रास्ता। यार मैं भी नहीं था त्या पता ना ना बेकार छिन सी डाल जाऊंगा मैं भी नहीं यार पता डाल जाऊंगा बाहर मैं मखाले कुखड़े चो पहचान दूं मैं फिर जो मैं पहचान छ पर ये देखिए फ्रेंड्स पेड़ पे कितने मशरूम लगे हैं ये देखिए बिल्कुल मस्त लग रहे पेड़ के मशरूम। भगवान कसम यो बा न्यू छ आईयो और आखिरकार पहुंच गए देवरिया ताल जो कि नाग देवता का ताल है देवरिया ताल। तो यहाँ देवरिया ताल में नाग देवता की पूजा होती है। तो देवरिया ताल बहुत ही भव्य ताल है सच कहूँ तो जितनी भी रास्ते की थकान होती है तो यहाँ आकर मिट जाती है सारी थकान। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे कि जन्नत में पहुँच गए हों बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे देख रहे आखिरकार हम पहुँच गए देवरा ताल जो ये ताल दिखाई दे रहा तो ये पूरा देवरा ताल है। अभी आपको दिखाएंगे इधर उधर की लोकेशन। ना ना ठीक है फोन लगा पर लोगों ने तो देवरिया ताल में श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत है। कोरोना काल की वजह से मेला नहीं हुआ लेकिन नाग देवता के दर्शन करने बहुत श्रद्धालु आ रखे हैं यहाँ। तो आपको जो ताल के बीचों बीच दिखाई दे रहे हो वो सिंगाड़ा है वो लेकिन ताल बहुत ही गहरा है इसीलिए कोई ताल के अंदर नहीं जाता।
शेडो हो तो यहाँ पर ये नाग देवता का मंदिर स्थित है और यहाँ पर ये नाग देवता की मूर्ति है। और यहीं पर देवराता नाग देवता की पूजा की जाती है। तो अभी हम ताल की परिक्रमा करने जा रहे हैं, तो चलिए। हम भी गेरू बोलो भाई बहुत तो देखिए बहुत ही भव्य ताल, सुप्रसिद्ध ताल बोल सकते हैं, देवरिया ताल। जर जरा तो फ्रेंड्स यहीं से दिखाई देता है देवरा ताल का पूरा व्यू, ये देखिए। पूछा वा।
तो अभी हम दोनों बहनें शॉपिंग कर रही हैं। ये मेरी सिस्टर है मेरे साथ में, मेरे से बड़ी सिस्टर है। तुम लोग यार कौन से रास्ते जाओगे? तो यार हमें भी ना लेके चलना है, हम भी साथ ही साथ चलते हैं। तो तुम तो लेट से आओगे। नहीं तो हम 3 बजे चल जाएंगे, 1-1.5 बजे। तो ये फूल नाग देवता के माथम के रूप में लोग इन्हें निकालते हैं और यहाँ नाग देवता के माथम के रूप में इन्हें घर ले जाते हैं पूजा करने के लिए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना, कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी।